फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक न्यूज में कहा जाता है कि एक जेल में भागदौड़ मची हुई है और एक जिमी नाम का एक शख्स कहीं भाग गया है। कहा जाता है कि उससे दूर ही रहें, वो बहुत खतरनाक है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक एम्बुलेंस में खून से लथपथ एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसका डॉक्टर उपचार कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते ही जब एम्बुलेंस का दरवाजा खुला जाता है तो वो प्रेग्नेंट लेडी एक भयानक ज़ॉम्बी बन सबको काट रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल कहता है पूरी दुनिया में ये वायरस फैल रहा है जिससे काफी लोग ज़ॉम्बी बनकर सबको काट रहे हैं। तभी मूवी का टाइटल डिस्प्ले होता है। फिर जनरल अपने सभी सिपाहियों को इस वायरस का संदेशा देता है और कहता है कि ये वायरस सीधा दिमाग पर ही अटैक करती है और थोड़ी देर में ही उल्टी बुखार होने लगता है और धीरे धीरे वो इंसान वायलेंट होने लगता है। दरअसल ये वायरस साइंटिस्ट जूलियर ने ही शुरू किया क्योंकि वो एक जिमी नाम के कैदी पर रिसर्च कर रहे थे। तभी जेल में भागदौड़ होती है और जिमी अपने दोस्त को अपनी कीमती चैन देकर वहाँ से बाहर हो जाता है। जेल से भागने के बाद पुलिस उसका पीछा करती है। खुद को बचाने के लिए कार में बैठी एक प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ गन शूट करने की धमकी देता है, पर वो लड़की उसके हाथ में काट के पुलिस की तरफ भाग जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैप्टन की वाइफ होती है। अब जिमी के पास का वायरस उस लड़की के पास फैल गया और इसी तरह ये वायरस पूरी सिटी में हवा की तरह फैलने लगा। इस वायरस का मेन साइंटिस्ट जूलियर क्वारंटीन जोन में फंस गया है, वहाँ से वैक्सीन लेना ही इस मिशन का गोल है। तभी हम देखते हैं कि वी एक बोट की मदद से उस क्वारंटीन की तरफ जाते हैं। वहाँ जाने पर वहाँ कोई नहीं होता, पूरे रास्ते में उन्हें डेड बॉडी ही नजर आती है और रोड के उस साइड ज़ॉम्बी बच्चे नजर आते हैं। उनकी आहट सुन वहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। ये सोल्डर उन ज़ॉम्बी पर फुल अटैक कर रहे होते हैं पर ज़ॉम्बी भारी तादाद में होते हैं जिसके वजह से वो खुद की जान बचाकर सोल्डर दूसरी ओर भाग जाते हैं। वहीं उन्हें एक टैंक दिखता है, वो उस टैंक में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में कुछ लोग एक घर से कुछ सामान चुराते हुए नजर आते हैं। वो आदमी सोल्डर की तरफ गन शूट करने वाला ही होता है लेकिन सोल्डर की टीम उसे मार देती है। अब स्क्वाड टीम उस क्वारंटीन जोन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर मिलिट्री जनरल बहुत सारे ज़ॉम्बी पर टेस्टिंग कर रहा होता है। उन ज़ॉम्बीज में एक है उसका छोटा बच्चा जो उस पर भी टेस्टिंग कर रहा है। वो स्क्वाड टीम आखिरकार उस बिल्डिंग तक पहुँच जाती है और वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी ड्रग लेकर मजे ले रहे हैं। वे सोल्जर भी उन्हें एक एक करके शूट करते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। उस गन शॉट की आवाज से ज़ॉम्बी भागते हुए उनकी तरफ और भी तेजी से आने लगते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी स्क्वाड टीम के एक मेंबर पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। अब स्क्वाड टीम उस इन्फेक्टेड सोल्जर को लेकर साइंटिस्ट के रूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है कि साइंटिस्ट वहाँ से पहले ही भाग चुका है। स्क्वाड टीम का हर कोई अपने उस इन्फेक्टेड साथी को बचाना चाहता है। वो सोचते हैं कि अगर हम साइंटिस्ट को ढूंढ लेते तो उससे वैक्सीन लेकर अपने साथी को बचा लेते। तभी स्क्वाड टीम का एक आदमी कहता है कि ये ठीक नहीं है एक इन्फेक्टेड पर्सन को अपने साथ लेकर चलना, ये खतरे से खाली नहीं होगा। ये कहकर वो उसकी तरफ गन शूट करने वाला ही होता है कि उनके दूसरे लोग उस सोल्जर पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। वो इन्फेक्टेड सोल्जर ये सब देखकर अपने आप को ही गन से शूट कर लेता है। अब दूसरी सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की दो लड़कियां रोड पर चल रही हैं। मरे हुए ज़ॉम्बीज को देखकर धीरे धीरे क्वारंटीन जोन से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि जेल से भागे हुए कैदी अपनी एक ग्रुप बना लेते हैं और उस जगह पर उनका ही रूल चलता है। उनके गैंग के एक आदमी को मिलिट्री शूट कर देती है। गैंग का लीडर उस मिलिट्री स्क्वाड टीम पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो फैसला करते हैं कि कोई भी मिलिट्री स्क्वाड का टीम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। अब मिलिट्री स्क्वाड टीम को उस साइंटिस्ट का रिकॉर्ड किया हुआ लास्ट वीडियो मिल जाता है जिसमें वो कहता है कि इन्फेक्टेड आर्मी सोल्जर उसकी जैकेट पर अटैक कर रहे हैं और सभी जिंदा लोगों को यहाँ से ले जा रहे हैं। उस साइंटिस्ट को खोजने की जगह वो ज़ॉम्बी आर्मी ही है। अब वो दोनों लड़कियाँ अपनी जान बचाने के लिए एक शॉपिंग मॉल में छुप जाती हैं। कुछ आहट आने पर वो देखती हैं कि वो साइंटिस्ट वहाँ पर कुछ खाने का सामान लेने के लिए आता है। आर्मी स्क्वाड टीम भी उस सोल्जर को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी उन्हें बहुत गंदी स्मेल आती है और वो देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी डेड बॉडी का ढेर पड़ा हुआ है और तभी वहाँ ज़ॉम्बी आर्मी भी आ रही होती है। स्क्वाड टीम उनसे बचने के लिए डेड बॉडी के साथ लेट जाते हैं। ज़ॉम्बी आर्मी में से एक आदमी उन डेड बॉडी के करीब आता है और मिलिट्री स्क्वाड टीम के एक मेंबर को पहचान उसे बाहर खींच लेता है। अब हम देखते हैं कि कुछ बचे हुए लोगों को एक कंटेनर में ज़ॉम्बी आर्मी भरने लगती है जिसमें वो स्कूल की लड़की और वो साइंटिस्ट भी होता है। ये नजारा देख वो स्क्वाड टीम का आदमी अपनी टीम को बताता है और कहता है कि वो साइंटिस्ट इसी भीड़ में है। अब ये स्क्वाड टीम ज़ॉम्बी की तरह भेस बनाकर उस कंटेनर में चले जाते हैं और उस ज़ॉम्बी आदमी को मार वहाँ से साइंटिस्ट को लेकर जाने लगते हैं। तभी वो स्कूल की लड़की कहती है उससे ही क्यों ले जा रहे हो, हमें भी लेकर चलिए। तभी स्क्वाड टीम ठीक है आइए कहकर बाहर निकल जाते हैं और उस साइंटिस्ट के जेब में एक ट्रैकर डाल देते हैं। और स्क्वाड टीम का एक आदमी कहता है कि हमारा मिशन सिर्फ साइंटिस्ट को बचाना ही था, तुम सबको बचाने का सोच गलत कर रहे हो। गन शूटिंग की आवाज सुन तभी ज़ॉम्बी आर्मी वहाँ आ जाती है और नॉर्मल लोगों पर गन शूट करने लगती है। वहीं पर दोनों आर्मी के बीच घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। तभी कुछ स्क्वाड टीम के मेंबर उस साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी स्क्वाड टीम का एक आदमी फ्रैंक सबसे झूठ बोल देता है कि कैप्टन भी उन सभी के साथ मारा गया, बट कैप्टन सबको बचाने में अकेला डटा हुआ है। ज़ॉम्बी उस बड़ी लड़की पर अटैक कर देती है और वो छोटी लड़की उसे पीछे से मार रही होती है। अब स्क्वाड टीम की एक लेडी मेंबर उस लड़की को बचाने के लिए एक पत्थर से ज़ॉम्बी पर वार करती है और अपने मुंह पर गए खून के छींटे को पोंछकर उस छोटी बच्ची को लेकर अपने साथ भागती है। उधर स्क्वाड टीम का एक आदमी कैप्टन से कहता है प्लीज आप लोग चलो, मैं इन सबसे अकेले ही डील कर लूंगा। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि एक कपल जो स्क्वाड टीम उस साइंटिस्ट
साइंटिस्ट के साथ है, उनसे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि उनकी कार खराब हो चुकी है। फ्रैंक ये देख बहुत इरिटेट होता है और बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की पर गोली चला देता है। और लड़के पर गोली चलाने वाला ही होता है कि पीछे से एक रिवर्स नाम का स्क्वाड टीम पूछता है कि क्यों इन बेगुनाह को मार रहे हो। तो फ्रैंक कहता है कि हम मिशन साइंटिस्ट पर हैं, इसमें हमारे मिशन के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। इसी पर दोनों स्क्वाड टीम के मेंबर में काफी लड़ाई होने लगती है। दूर से नजारा उस चोर का गैंग देख रही होती है। मौके का फायदा उठाकर वो सबको मार देना चाहते हैं, बट रिवर्स अपनी जान देकर सबको उस जगह से हट जाने का इशारा करता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। फिर वो साइंटिस्ट सबको अपनी लैब ले जाता है और कहता है कि यहीं से टेस्टिंग होती है। तभी फ्रैंक जोर से उस साइंटिस्ट पर लात मार देता है और कहता है कि इस साइंटिस्ट की वजह से ही हमारे स्क्वाड टीम वालों की जान गंवानी पड़ी। और तभी स्क्वाड टीम का कैप्टन भी उस ट्रैकर की मदद से वहां आ जाता है और ये सब देख बहुत गुस्सा होता है। तब फ्रैंक उस छोटी बच्ची को देख फिर से चिढ़ जाता है और कहता है कि हम जिस मिशन पर आए हुए हैं उस पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा, तुम एक अच्छे कैप्टन नहीं हो। जिससे कैप्टन और भी गुस्सा हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। फिर कैप्टन फ्रैंक को एक रूम में बंद कर देता है, फिर साइंटिस्ट के साथ अपनी पूछताछ शुरू करता है। साइंटिस्ट कहता है कि उसने एक ह्यूमिटेड एक्ट फाइंड किया है जिससे आर्मी शोल्डर में इंजेक्ट करने से उनको ज्यादा शक्ति मिलेगी, वो काफी ताकतवर हो जाएंगे। वो सारे जख्मी शोल्डर की बॉडी में इंजेक्ट करता रहता है, इसीलिए इन्फेक्टेड आर्मी कम्प्लीट जॉम्बी में नहीं बदलती। जिसका वैक्सीन उसने जिमी नाम के एक कैदी में इंजेक्ट किया था जो जेल से किसी तरह से भाग निकला और पुलिस से बचने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को गन शूट करने के लिए कहता है। उस लड़की के काटने से गलती से ये वायरस उस लड़की में फैलकर पूरी दुनिया में फैल ही इस भयानक स्थिति से गुजर रही है। वह प्रेग्नेंट लेडी कोई और नहीं बल्कि कैप्टन की वाइफ होती है। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी बच्चे दोनों मारे गए। तभी हम देखते हैं कि स्क्वाड टीम की एक लड़की नहाते हुए यह सोचती है कि जॉम्बी को मारते वक्त उसका खून शायद मेरे मुंह में गया होगा, कहीं मैं भी जॉम्बी न बन जाऊं। यह बात वह अपने बॉयफ्रेंड से कहती है। तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगा, यह कहकर वह उसे किस कर अपने आप को भी इन्फेक्टेड कर लेता है। उधर छोटी बच्ची सोते वक्त बुरा सपना देख कैप्टन के गले लग जाती है। धीरे धीरे कैप्टन को भी इस बच्ची से काफी लगाव होने लगता है। फिर कैप्टन फ्रैंक से बात करता है और कहता है कि इस समय हमें सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए और आपस में बिना लड़ाई किए हमें साथ मिलकर इस मिशन को कामयाब करना होगा। उधर केरा और उसका बॉयफ्रेंड साइंटिस्ट को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर कैप्टन पहुंच जाता है और बोलता है कि साइंटिस्ट को छोड़ दो। तभी अचानक से वहां पर भी वह चोरों वाली गैंग उन पर आक्रमण कर देती है। फिर दोनों तरफ से गोली चलने लगती है। फिर हम देखते हैं कि स्क्वाड टीम धीरे धीरे एक कार में घुसने लगती है और किसी तरह से वहां से भाग निकलती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर केरा और उसका बॉयफ्रेंड कार से उतर जाते हैं। फिर दोनों सोचते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी आर्मी के लिए गुजार दी, अब थोड़े आखिरी पल अपने लिए जीते हैं। अब हम देखते हैं कि वह दोनों अपनी ड्रेस को चेंज करके एक कपल की तरह पार्क में चल रहे होते हैं। तभी मिलिट्री जनरल को इन्फॉर्म किया जाता है कि साइंटिस्ट पकड़ा गया। वह जनरल फौरन एक हेलीकॉप्टर से उस जगह पहुंच जाता है। उसी वक्त वह साइंटिस्ट अपनी पॉकेट से एक छोटी बुक निकालकर कैप्टन को देता है और कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो यह बुक काम आ सकती है। जनरल वहां आता है और साइंटिस्ट को देखते ही उसके माथे पर गोली मार देता है और कहता है कि इसकी वजह से ही आज मेरा बेटा जीवित नहीं है। कैप्टन सोचता है कि यह साइंटिस्ट ही एक था जो वह बिगड़ा हुआ काम सही कर सकता था, लेकिन जनरल ने अब सब काम गड़बड़ कर दिया। फिर जनरल वहां से चल देता है। कैप्टन कहता है कि एटलीस्ट इस छोटी बच्ची को तो अपने साथ ले जाइए, बट वह उसे भी वहां से ले जाने से मना कर देता है। तभी फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है कि जनरल सबको यहां पर अकेला छोड़कर जा रहा है। तभी जनरल के साथ एक आर्मी उसके पैर पर शूट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जॉम्बी अटैक कर देते हैं। कैप्टन फ्रैंक का हाथ पकड़कर किसी तरह से भाग रहा होता है। तभी छोटी बच्ची के हाथ से उसकी डॉल नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि एक जॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, बट किसी तरह से वह उससे पीछा छुड़ाकर कैप्टन के साथ चली आती है। फ्रैंक सबको जाने का बोल सभी जॉम्बी को एक एक करके शूट करता रहता है, पर सारे जॉम्बी फ्रैंक पर अटैक कर देते हैं। कैप्टन अब छोटी बच्ची के साथ चल रहा होता है। तभी वह छोटी बच्ची कैप्टन से पूछती है क्या आप मुझे भी अकेला कभी छोड़ दोगे। फिर कैप्टन उस छोटी बच्ची के हाथ में नोटिस करता है कि किसी जॉम्बी ने उसे काट लिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह रात में रेस्ट करने लगते हैं। तभी कैप्टन को एक बुरा सपना आता है जिसमें वह छोटी बच्ची जॉम्बी बनकर कैप्टन पर हमला कर देती है। तब उसे एहसास होता है कि यह एक सपना था। फिर वह धीरे से वहां से उठकर उस छोटी को गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन वह ऐसा न करके उसे अकेला छोड़ वहां से चला जाता है। कैप्टन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है उस बच्ची की आँख खुल जाती है और वह कार के पीछे आकर रुक जाती है। उस बच्ची के पीछे एक जॉम्बी भी आ रहा होता है, बट कैप्टन को अब उस बच्ची से काफी ज्यादा लगाव हो गया था, इसलिए वह उस जॉम्बी को मार देता है और उस बच्ची से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। इतने में वहां वो चोर वाली गैंग भी आ जाती है। उधर हम देखते हैं कि मिलिट्री की गैंग मीटिंग कर रही होती है। वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि जॉम्बी के स्पॉट को बम से उड़ाना होगा तभी यह इन्फेक्शन रुक सकता है, बट कुछ लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं, पर वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि हमें इंसानों की जान सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन चोरों की गैंग उस कैप्टन को लटका कर रखा है। फिर चोरों का गैंग लीडर उस कैप्टन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। कैप्टन कहता है कि यह एक मिलिट्री मिशन है, इसे सीक्रेट ही रखा जाता है। फिर चोरों का लीडर कहता है कि तुम मिलिट्री के लोग ऐसे ही होते हो, कुछ ना कुछ रिसर्च ही कर रहे होते हो। उस बच्ची को देखो जो अब इन्फेक्टेड है, उसे अब मार देना चाहिए। कैप्टन कहता है कि उसे छोड़ दो, मत मारो। फिर वह गैंग लीडर कैप्टन को गन देकर कहता है इधर या तुम जिंदा रह सकते हो या वह लड़की, डिसाइड तुम खुद कर लो। यह सुनकर कैप्टन खुद को शूट करने ही वाला होता है,
यह देखकर वह चोर उससे गन ले लेता है और उस छोटी बच्ची को दे देता है। हाथ में गन लेकर वह कैप्टन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं कैप्टन के बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए वह खुद को गोली मारने वाली होती है। फिर वह चोर उस बच्ची के गले में एक चैन देखकर उस बच्ची से पूछता है कि यह चैन तुम्हें कहां से मिली। फिर वह बच्ची कहती है कि उसके डैडी ने दिया है, जिनका नाम जिमी है। जिमी का नाम सुनते ही वह उस बच्ची को अपने हाथ में उठा लेता है और खुश हो जाता है और कहता है कि ये हमारी जिमी की बेटी है। दरअसल जिमी का बेस्ट फ्रेंड ही उस गैंग का लीडर होता है। दूसरी तरफ जनरल काफी परेशान होता है क्योंकि उसका बेटा भी एक ज़ॉम्बी है। फिर वह अपने बेटे को गोली मार देता है। ज़ॉम्बी आदमी को वह अपने कंट्रोल में ले सकता है, यह सब प्रूफ करने के लिए वह खुद को ही ज़ॉम्बी इंजेक्शन ले लेता है। उधर वो चोरों की गैंग उस कैप्टन को इधर रहने के लिए बोलती है क्योंकि उनके पास खाने पीने की हर चीजें उपलब्ध है। फिर कैप्टन कहता है कि हम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि यह सेफ जगह नहीं है, इसलिए वह कैप्टन उस बच्ची को लेकर उस क्वारंटीन जगह से बाहर जाने लगता है। बीच रास्ते में वह अपनी कार को रोककर वॉकी टॉकी की मदद से अपने आने की इन्फॉर्मेशन देता है। फिर वह छोटी बच्ची के साथ खेलने लगता है। खेलते वक्त नोटिस करता है कि उस बच्ची के हाथ में ज़ॉम्बी का घाव अब सूख चुका है। वह यह देखकर काफी आश्चर्यचकित रह जाता है और साइंटिस्ट द्वारा दी गई उस डायरी को खोल देता है जिसमें उस साइंटिस्ट ने मेंशन किया था कि वह बच्ची ही इस वायरस की वैक्सीन बनेगी। नेचुरल इम्यूनिटी होने के कारण ही हमने जिमी को इस वैक्सीन के लिए चुना था, वह बच्ची इस वायरस का वैक्सीन बनेगी। इसलिए कैप्टन सोचता है कि हमें अब किसी तरीके से इस बच्ची को इस क्वारंटीन जोन से बाहर लेकर जाना पड़ेगा। फिर कैप्टन वॉकी टॉकी की मदद से जनरल से बात करता है और कहता है कि वैक्सीन मिल चुकी है। तब जनरल कहता है कि हम थोड़ी ही देर में उस क्वारंटीन जोन को बम से ब्लास्ट करने वाले हैं, अब तुम वैक्सीन फाइंड करो या मरो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर कैप्टन आग बबूला हो जाता है और बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी कैप्टन का हाथ छोड़ वो बच्ची भागने लगती है। तभी वहाँ पर हाथ और कटे हुए ज़ॉम्बी को देखती है। कैप्टन समझ जाता है कि उस जगह ज़ॉम्बी ना आए इसलिए उस जगह पर बम को खोद कर रखा गया है। थोड़ी देर में वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं, वो बच्ची अब उनके बीच में फंस जाती है, लेकिन कैप्टन उसे बचाने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बी उस बम से फटने लगते हैं। यह सब नजारा दूर से सर्वाइवल टीम देख रही होती है और वो उन दोनों को बचा कर ले जाती है। फिर कैप्टन सबसे कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि यहाँ बम ब्लास्ट होने वाला है, बट कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता और वे लोग कहते हैं कि तुम्हारी बात का भरोसा कर 200 से अधिक लोगों को इन ज़ॉम्बी के बीच से ले जाना बहुत बड़ा मुश्किल है, आदमी हमें बचाने आएगी। कैप्टन पूछता है कि इतने दिनों से आप लोग यहाँ फंसे हो, कोई बचाने आया? फिर कहता है कि हमने वैक्सीन फाइंड कर ली है, जिसको चलना है चले, नहीं तो मैं जा रहा हूँ बॉर्डर की तरफ। फिर वह सोचती है कि इसके साथ ही जाना बेहतर होगा। फिर वह बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ ज़ॉम्बी का बहुत बड़ा भीड़ होता है, जहाँ ज़ॉम्बी और नॉर्मल लोगों के बीच घनिष्ठ युद्ध छिड़ जाता है। पर ज़ॉम्बी की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। एक समय ऐसा भी आता है कि कुछ ज़ॉम्बी उस बच्ची पर अटैक करने वाले होते हैं। कैप्टन उसे बचाने के लिए जाता है, तभी एक ज़ॉम्बी कैप्टन के शोल्डर पर काट देता है। फिर कैप्टन उस बच्ची को लेकर एक रूम में चला जाता है। वह समझ जाता है कि अब वह बहुत जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर वह उस बच्ची को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, पर वह बच्ची वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाती। थोड़ी देर में कैप्टन ज़ॉम्बी बन जाता है और उस लड़की का गला दबाकर मारने लगता है। तभी छोटी बच्ची कहती है, मुझे मत मारिए क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे। यह सुनकर कैप्टन को सारी बातें याद आ जाती हैं, इसीलिए वह उसे छोड़ वहाँ से चला जाता है। वह सभी लोगों के साथ बॉर्डर की तरफ आगे जाने लगता है। उन सबको देख जनरल उन्हें मारने का आदेश देता है। तभी उस स्क्वाड टीम का एक आर्मी आता है और कहता है कि प्लीज इस जनरल की बात मत मानिए, एक टाइम ऐसा था जब मैं भी इस जनरल के नीचे काम किया करता था, बट हम सबको यह बीच रास्ते में छोड़ दिया। और आपको एक बात बता दूं कि हमारे पीछे बहुत सारे साधारण लोग भी हैं जो अपनी जान बचाने की उम्मीद से यहाँ पर आए हुए हैं। यह सब बात सुनकर सोल्जर अपनी गन को नीचे कर लेते हैं। तभी जनरल को गुस्सा आ जाता है और वह शूट कर देता है। यह सब देखकर कैप्टन को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वह तेजी से भागकर जनरल पर अटैक कर देता है। अब दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और कैप्टन जनरल को मार देता है। तभी कैप्टन वायलेंट हो जाता है और बाजू वाले सोल्जर को भी काट देता है। यह देखकर सोल्जर उसे गोली मार देते हैं और बचे हुए लोग धीरे धीरे बॉर्डर पार कर जाते हैं। और यहीं पर मूवी समाप्त होती है। दोस्तों फिर मिलते हैं नए दिन और नई